अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये है 1 पॉट पास्ता, बहुत ईजी सा। टाइम ना रहे, झटपट बनाना हो तो हम ये बना सकते हैं। कढ़ाई में तेल लिया है मैंने और उसमें डाला है प्याज। आप बघार में जीरा भी रखकर डाल सकते हैं, जीरा अच्छा लगता है बट मैंने नहीं डाला है। अब यहाँ पे हमारा प्याज थोड़ा सा टर्न हो रहा है ब्राउन कलर में, गोल्डन कलर में, तो मैंने उसमें कूटा हुआ लहसुन और अदरक डाला है। और अगर आपको चाहिए तो आप रेड ग्रीन चिली डाल सकते हैं, बट मैंने आप स्किप किया है, मैं रेड चिली डालूँगी। इसमें प्याज मैंने डाला है सॉल्ट। हम अच्छे से प्याज के साथ में भूनने देंगे, जब तक ये भुन जाएगा उसका अदरक और लहसुन का टेस्ट दे लगेगा। उसके बाद हम हमारी रंग बिरंगी वेजीज डालेंगे, जो कि है शिमला और हमारी टमाटर। और अगर आपके पास और भी कुछ वेजीज हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास इतनी थी तो मैंने यही डाला है इसमें। हम इसे अच्छे से साथ में स्टर करेंगे, बहुत अच्छे से। देखिए कितनी अच्छी कलरफुल सी लग रही है। अब मैं इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर। तीखा हो तो अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट कीजिए, जितना आपको रिक्वायर्ड हो स्पाइस। यहाँ पे थोड़ा सा पिंच, जितना आपको लगे गरम मसाला। गरम मसाला बहुत अच्छा टेस्ट को इन्हेंस करता है। अब मैं यहाँ पे मेरे भाजियों को पकने देती हूँ। और यहाँ एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा सोया सॉस और यहाँ टमेटो केचप, जितना आपको अच्छा लगे। रेड चिली सॉस मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको स्किप किया है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर से लें। और यहाँ पे है शेज़वान, इससे हमारे पास्ते का टेस्ट डबल हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे पास्ता जो है डायरेक्टली 1 पॉट है तो मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ। और आप देख सकते हैं कलरफुल कलरफुल, अभी से कितना यमी यमी है लग रहा है। हम इसे अच्छे से उसको करके फ्राई करके थोड़ा सा मसालों में, और हम इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी डाल के हमें इसे पकने देना है। आपका पास्ता के लिए कितना पानी डालते हैं, जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से कुक हो रहा है। ये 1 पॉट पास्ता है, झटपट बनने वाला। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये हो रहा है। अब जो मैंने सॉसेस मिक्स करके रखी थी वो मैं इस स्टेज पे उसको डाल दूँगी। जब हम आपको लगे कि आपका पास्ता अब रेडी हो चुका है तो वो स्टेज पे आप सॉस डालेंगे ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास चीज़ वगैरह हो तो आप वो भी यूज़ कर लें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरिगैनो, चीज़ हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली मेयोनीज ज़्यादा पसंद है तो मैं मेयोनीज ज़्यादा भी प्रेफर करती हूँ पास्ता में। चीज़ वाला भी मैं आपको ज़रूर बता के बताऊँगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। आप देख सकते हैं जब हम अपने सॉस और मेयोनीज डालते हैं हमें सिर्फ उसे 2 मिनट पकाना है। और ये भी को देख सकते हैं कितना मस्त सा माशाल्लाह टेस्टी सा यम यमी सा हमारा पास्ता डिलीशियस सा बन के तैयार हुआ है। तो ऐसी इजी पीजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़। और देखिए पास्ता कितना यमी है।